हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफसीएसआरई क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिंपल एवरेज मेथड का प्रॉब्लम कर रहे थे मटेरियल चैप्टर से कॉस्ट अकाउंटिंग में। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि पिछले 2 वीडियोस में हमने नॉर्मल प्रॉब्लम किया था, यानी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सिंपल सा हम कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आज हम करेंगे इस प्रॉब्लम में स्क्रैप या शॉर्टेज आएगा तो हम कैसा करेंगे, या सरप्लस अगर आगे एडजस्टमेंट आएगा तो हम इसमें कैसा करेंगे। आप तो जानते हैं कि सरप्लस एंड शॉर्टेज का एडजस्टमेंट कैसा करते हैं, लीफ एंड फिफ्टी मेथड ऑलरेडी मैं बताया था। लेकिन सिंपल एवरेज मेथड में हम कैसा प्राइस को फाइंड आउट करेंगे आज इस प्रॉब्लम में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन अप सर्टेन मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2006। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ जनवरी ओपनिंग स्टॉक है 200 टन और रेट है इसका 460। कितने तक? 460 है। चलिए ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट वन, फर्स्ट जनवरी 2006 ओपनिंग स्टॉक है। डायरेक्ट बैलेंस कॉलम में, बैलेंस कॉलम में कितना है टोटल बैलेंस? 200 है और 1 करोड़ कितना है? 460 है। तो टोटल अमाउंट होगा $92, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जनवरी 4 जनवरी 2006 में कर रहे हैं इशू के लिए एमआर नंबर में जाएंगे हम। यहाँ पे क्या है, एमआर नंबर भी दिया है, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2। तो हम यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट एमआर नंबर दिया है यहाँ पे 1। कितना है क्वांटिटी? 140 है और रेट कितना है यहाँ पे? 460 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट कैलकुलेशन वर्किंग आउट 4/1/2006 के लिए कितना है रेट, एक ही है। तो चलिए 460 एक ही रेट है डिवाइडेड बाय 1, तो रेट कितना आएगा? 460, ठीक है। एक ही रेट है तो हम एक ही सिंपल सा करेंगे कि 460 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे ना, रेट कितना आएगा? 400 इशुइंग रेट आएगा। चलिए कितना है टोटल? 460 तो इंटू करेंगे ना कितना होगा? 64,400। 200 में से 140 निकालेंगे ना कितना होगा रिमेनिंग स्टॉक हमारे पास? 60। हाँ 200 है, 200 में से कितने इशू किए हमने? 140 निकाले हैं। तो 140 अगर निकालेंगे तो रिमेनिंग कितना है हमारे पास स्टॉक? 60 है। तो इसे इंटू करेंगे ना कितना होगा? 27,600, ये होगा नील। नेक्स्ट डेट है यहाँ पे 6 जनवरी। 6 जनवरी में कितना है परचेस कर रहे हैं? एमआर जीआर नंबर नहीं दिया है, डायरेक्ट क्वांटिटी दिया है। कितना है? 350। रेट कितना है इसका? 450। देखिए यहाँ पर रुपीज में पॉइंट में नहीं दिया, यहाँ पर टोटल बिग अमाउंट है, रेट 450 है, इसलिए अमाउंट भी ज्यादा आएगा। 350 है और कितना है इसका? 450 इसका रेट है। इंटू करेंगे कितना होगा? 1,57,500। 1,57,500 ये आपको कैलकुलेटर इंटू करेंगे तो पता चलेगा। 60 + 350 = 210। 60 है ये, 350 है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितना होगा? तो सॉरी ये 350 है ना, 350 + 60 करेंगे ना 410, राइट? 410 हमारे पास टोटल क्वांटिटी है और टोटल हमारा इंटू का अमाउंट कितना होगा? 1,85,100। 27,600 + 1,57,500 करेंगे ना 1,85,100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेट करेंगे हम 8 जनवरी में यहाँ पे आया है एडजस्टमेंट, कंडम ड्यू टू द डिटेरिएशन इन क्वालिटी एंड ट्रांसफर टू स्क्रैप। यानी कि क्वालिटी अच्छा नहीं आने से क्या हो गया, टोटल स्क्रैप में चले गया, स्क्रैप के अंदर टोटल स्क्रैप में लॉस हो गया कितना? 30। स्क्रैप होने तो शॉर्टेज होने तो हम किसमें करेंगे? इशू में। सरप्लस हो या एक्सेस हो तो किसमें करेंगे? रिसीव, क्योंकि आपको क्वांटिटी में एड होता है और स्क्रैप या शॉर्टेज हमारे क्वांटिटी में क्या होता है? लेस होता है। लेस हो गया तो इशू में, एड हो गया तो रिसीव में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रैप वेस्ट हो चुका है, कितना है स्क्रैप? 30 टन और रेट कितना है इसका?
हाँ रेट देखिए यहाँ पे कैसा कंडक्ट करेंगे हम रेट रेट है यहाँ पे डेट दीजिए कितना है 8 1 2006। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमको देखना होगा कि रेट कितने हमारे पास एक है 460 और एक है 450। ये 460 है टोटल हमारे पास क्वांटिटी टेक 200 है लेकिन इशू होने के हम 140 कर रहे हैं तो और कितना स्टॉक हमारे पास ये 60 है इसमें से कितना है 140 चलेगा तो और कितना है 60 है तो ये भी रेट हमारे पास ऐड होगा और सेकंड रेट कितना है 450 है तो हमारे पास दो रेट है एक है 460 एक है 450 डिवाइडेड बाई 2 460 है एंड 450 है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना होगा 910 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा 910 डिवाइडेड बाई 2 करेगा ना 455 कितना है रेट उसका 455। ये देखिए 200 था स्टॉक इसमें से हमने 140 निकालेंगे तो कितना है अभी हमारे पास 60 है 60 में से 30 निकालेंगे तो अभी ये स्टॉक बाकी है अभी रिमेनिंग है तो हम नेक्स्ट अगर इश्यू करेंगे तो ये रेट अभी ऐड होगा ठीक है ना क्योंकि अभी स्टॉक में से कितना अभी 30 है और ये रेट कितना है इसको 350 में से हमने टच भी नहीं किया तो और एक बार अगर हम इश्यू करेंगे तो ये रेट भी इंक्लूड होगा ठीक है 13,650 कितना होगा 13,650 टोटल हमारे पास स्टॉक था इसमें से हमने 30 इशू के स्क्रैप में चले गया तो कितना है 380 1,85,100 माइनस 1,85,100 माइनस 13,650 करेंगे ना कितना होगा 1,71,450 ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम करेंगे नेक्स्ट डेट है हमारा 8 के बाद 9th में क्या कर रहे हम इशू कर रहे हैं जॉब नंबर 2 कितना क्वांटिटी इशू कर रहे हैं 80 यहाँ पे देखिए सेम है यही आएगा 460 एंड 450 क्योंकि दो ही रेट है इसमें से अभी कितना स्टॉक है 30 है और ये रेट कितना है 450 है तो दो करेंगे ना ये रेट आएगा तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 8 एंड 9 8 के लिए भी और 9 के लिए भी सेम रेट है तो कितना होगा 455 ये स्टॉक ऑलरेडी आपको कंप्लीट हो चुका ठीक है 230 रिमेनिंग था हमने इश्यू किया 80 तो ये टोटली चलेगा ये 350 है इसमें से 50 हमने निकाल दिया है और कितना स्टॉक है 300 नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो ये 460 ऐड नहीं होगा ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कितना है 80 इंटू 455 करेंगे ना कितना 36,400 380 में से 80 निकालेंगे ना कितना 300 स्टॉक है ये 380 है इसमें से 80 हमने इश्यू किया तो कितना रिमेनिंग 300 है 1,71,450 माइनस 1,71,450 माइनस 36,400 1,35,050 रुपीस। नेक्स्ट है 14 जनवरी में क्या कर रहे हैं फिर इशू कर रहे हैं जॉब नंबर 3 है कितना इशू कर रहे हैं 210 यहाँ पे देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 460 तो हमारे पास सिर्फ एक ही रेट है कितना रेट है 14,1,2006 तो सिर्फ ये तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि स्टॉक कंप्लीट होगा रेट भी कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक ही रेट है कितना है 450 डिवाइडेड बाय 1 एक ही है तो कितना रेट है 450 ये कितना होगा 450 210 इंटू 450 तो 94,500 300 में से 210 निकालेंगे ना कितना है 1,35,050 में से 94,500 निकालेंगे ना कितना होगा 40,550 नेक्स्ट रेट 14 के बाद 17 में क्या कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं 200 टाइम्स
देखिए 17 में क्या है, टोटली 200 टन हम परचेस कर रहे हैं, कितने से 480 रुपीज, 480 रुपीज रेट है उसका, 480 से इंटू करेंगे ना कितना होगा 96 होगा, 90 प्लस 200 290, 40,550 प्लस 96,000, 1,36,550। नेक्स्ट है 17 के बाद 20 में क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं जॉब नंबर 4, कितना इशू कर रहे हैं 120 टन्स। यहाँ भी देखिए ये कितना है, टोटल 350 है, जिसमें से ये 80 था, 30 में से 50 चेंज हो गया, तो इसमें कितना टोटल 300 इशू है, 300 क्वांटिटी है, 300 क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमने कितना इशू किया यहाँ पे 210 किए हैं, 210 करने के बाद हमारे पास कितना स्टॉक हो गया, 300 में से 210 निकालेंगे ना 90 स्टॉक है, 90 है एंड कितना 210 निकला 90 है। नेक्स्ट हमने परचेस किया है तो ये रेट और ये रेट हम ऐड करेंगे क्योंकि 2 रेट है। चलिए मैं ऊपर का ये रफ करूंगा, जिस किसी को लिखना रहा तो आप वीडियो पैक करके देख सकते हैं। डेट क्या है, 20 जनवरी 2016, नीचे का नजर नहीं आएगा आपको। देखिए यहाँ पे समझने का मेन इंपॉर्टेंट ये, तो स्टॉक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 300 350 है, 80 ही क्या है, इसमें से 30 था निकल गया है, तो और कितना 50 होगा, इसमें से 50 भी हमने इशू किए हैं, तो टोटल कितना था हमारे पास स्टॉक 300 में से हमने यहाँ पे एक इशू किया है कितना 210, 300 से 210 निकालेंगे ना और कितना हमारे पास 90 स्टॉक यही रिमेनिंग अभी, तो ये ऐड होगा 450, समझना। और ये कितना रेट है, नेक्स्ट टाइम में परचेस किया है 480 समझे, एक तो आप अभी कितना है 90, इसलिए हमने ऐड किया 450 प्लस 480 करेंगे ना कितना होगा 930 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना 465 ये रेट है, 20 है, 25 कितना है परचेस कर रहे हैं, कितने टन्स है 180 टन्स है, कितने रेट से 470 से, यहाँ पे देखिए कितना था ये टोटल 90 था ना, इसमें से 90 था तो 120 हमने इशू किया है यहाँ पे, तो ये स्टॉक भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे तो सिर्फ ये रेट से करेंगे 480 एंड 470 के ऊपर हम सिंपल एवरेज फाइंड आउट करके इशू करेंगे, ठीक है। जैसे आपको कंप्लीट होगा या फिर टिक मार डालेंगे तो आपको करने के लिए इजी होगा, ठीक है। इसमें से कितना था 90 था, 90 में से हम कितना निकाले हैं 120 इशू किए हैं, 120 बोले 90 चलेगा और 30 इसमें से चलेगा, ठीक है। तो और ये कितना है 170 और 180 है, ठीक है, वो है 180 है रेट इसका, और कितना है रेट इसका 470 84,600 170 प्लस 180 प्लस 350 84,000 कितना है 600 1,65,350। नीचे का आपको मिस करता हूँ नजर आ रहा होगा, इसलिए वैसे मैं नेक्स्ट ऊपर से कंटिन्यू करूंगा। ये दो रेट से ऊपर करना रहता हमको, ये रेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, चलिए मैं इतना रफ करता हूँ। इसके बाद फिर से हम कंप्लीट करेंगे, 2-3 एंट्री है, इसके बाद ये प्रॉब्लम कंप्लीट होगा।
लास्ट में एक स्क्रैप का एक एडजस्टमेंट है, लास्ट शॉर्ट स्क्रैप आ गया तो कैसा करेंगे आपको पता लग गया, स्क्रैप अगर आएगा तो कैसा करना है ये एक एडजस्टमेंट लास्ट में आएगा। कंटिन्यू देखिए प्रॉब्लम, आपको पूरा प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा। कल हम रिटर्न के रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, लास्ट प्रॉब्लम सिंपल एवरेज का, उसके बाद हमको वेटेड एवरेज करना है मेथड। वेटेड मेथड के अगर प्रॉब्लम फॉर मेथड जितनी भी रिलेटेड मेथड करेंगे कंप्लीट होगा, ये टोटल मटेरियल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, फिर से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलिए, 25 हो चुका है, 25 के बाद है यहाँ पे 26, 25 के बाद कितना 28, 28 जनवरी 2006, 28 क्या कर रहे हैं हम, इश्यू कर रहे हैं जॉब नंबर 5, जॉब नंबर 5 है इशू कर रहे हैं, तो कितना 28 को 5 कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फिर से हमको इशू करने रेट फाइंड आउट करना होगा, क्या है ये 28/1/2006, तो यहाँ पे भी दो रेट है, एक है 480 और एक 470, डिवाइडेड बाय 2, 480 प्लस 470 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 950 डिवाइडेड बाय 2 475, कितना रेट है टोटल हमको इश्यू कितना करना है 280, तो जिसका रेट कितना है यहाँ पे 475, तो इंटू करेंगे तो कितना होगा 1,33,000। ठीक है एक्स्ट्रा कितना था यहाँ पे 350 था, इसमें से हमने कितना है 280 इश्यू किए हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना स्टॉक 70 है, ये कितना था 1,65,350 है, 1,33,000 निकाल जाना कितना 32,350। नेक्स्ट 28 के बाद 31 लास्ट ये है सरप्लस, सरप्लस है ना रिसिप्ट में, सरप्लस बोलो या एक्सेस बोलो, कितना है 40 टन्स है, रेट वही लेना, क्या रेट था 470, जो लास्ट रेट होता ना वही रेट हमको लेना होगा, इसमें एवरेज से कुछ नहीं, एवरेज का निकालना होता 48,475 है, इंटू करेंगे ना कितना 19,000, 70 प्लस 40 कितना होगा 110, 32,350 प्लस 19,000 कितना होगा 51,350, ये हो चुका प्रॉब्लम कंप्लीट। इस प्रॉब्लम में हमने दो एडजस्टमेंट किए हैं यहाँ पे, एक एक्सेस का एक्सेस रहेगा तो कैसा करेंगे वो एक प्रॉब्लम करें, और एक एडजस्टमेंट करें शॉर्टेज का यानी कि स्क्रैप का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, अगर कोई डाउट रहा तो मुझे कमेंट में बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया के पेज पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।